तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, सिंपल भी कई बार जीत चुके हैं। देखिए, पहले चरण में चुनाव जो हुआ है तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है। समाजवादी परिवार है तो अब ये समाजवादी परिवार से घबराए हुए हैं। आज सर नामांकन करने जा रहे हैं अखिलेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं? कल 9 से नामांकन है, तेज प्रताप यादव का टिकट कटा। फिर देखिए, आज करेंगे नामांकन, 1 बजे नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और भारी बहुमत से वहाँ से जीतेंगे। और इसके साथ साथ आसपास के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा चलेगा और सब सीटें आसपास की सब जीतेंगे। सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव हार जाएंगे, हर वक्त कन्नौज एक नया इतिहास लिखता है, नया इतिहास लिखा जाएगा। तो देखिए, अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके हैं, सिंपल भी कई बार जीत चुके हैं और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। सुब्रत पाठक ने एक बार चैलेंज किया था कि अखिलेश यादव में दम हो तो यहाँ जाके चुनाव लड़े, अब अखिलेश जी मैदान में उतर चुके हैं। तो मैदान में उतर चुके और अखिलेश यादव बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मैनपुरी चुनाव है, लगातार देखा जा रहा है भाजपा से बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, आज योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, डिम्पल तो बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और उन्हें मालूम होना चाहिए कि नेताजी भी यहाँ से लड़ते थे और जीतते थे और नेताजी का क्षेत्र है। अब ये जो नेता आ रहे हैं खाली बैरिंग चले जाएंगे। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का होने वाला है, किस स्थिति में देख रहे हैं आप पार्टी को? आप देखिए, पहले चरण में चुनाव जो हुआ है तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी हताश हो चुकी है और पहले चरण के बाद दूसरे चरण का चुनाव होना है। और अब ये चुनाव देखिए, आगे जैसे जैसे चलेगा वैसे ही आंधी का रूप इंडिया गठबंधन के रूप में ले लेगा। पीडीए की बात हो रही है लेकिन जयवीर सिंह कह रहे हैं कि पीडीए परिवार अथॉरिटी हो गया है, सैफई परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब ये हताश और निराश ही हमारे परिवार की वजह से, अब हमारा परिवार समाजवादी परिवार है तो अब ये समाजवादी परिवार से घबराए हुए हैं और सभी सीटें देखिए हमारे परिवार के जीत रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे समाजवादी परिवार के लोग पहुँचेंगे तहाँ ये सभी सीटों पर हारेंगे। पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अब एक पीएम, एक साल एक पीएम के फॉर्मूले पर चल रहा है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। अब देखिए, सब निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, बौखला चुके हैं, तो जब बौखला चुके हैं तो ऊट पटांग बातें करेंगे।